जय माँ कात्यायनी। आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं प्रणाम आप सभी को हमारे विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है क्या कहती हैं हाथों की रेखाएं। मित्रों, आज आपको मैं बताने वाला हूं कि अगर जो व्यक्ति बहुत स्वतंत्र होता है, किसी की न तो सुनता है न किसी की मानता है, कोई व्यक्ति कितना भी समझाए, कितना भी प्रयास करे, कुछ भी कहे, लेकिन व्यक्ति मानने को तैयार नहीं होता, ऐसा क्यों होता है? किसी के अंडर में काम करने का प्रयास नहीं करता, या कहीं भी नौकरी अगर ऐसा व्यक्ति कर भी ले तो ज़्यादा दिन तक उसकी निवृत्ति नहीं है, ऐसा क्यों होता है? इसके लिए उस व्यक्ति के हाथ में एक रेखा होती है। रेखा कौन सी होती है? जैसे कि ये जीवन रेखा देखी आपने और ये आपकी मस्तिष्क रेखा है। इन दोनों रेखाओं का अगर आपस में यहाँ पर मिलन ना हो रहा हो, ये दोनों रेखाएँ आपस में संगम न कर रही हों, मिल न रही हों, तो निश्चित व्यक्ति स्वतंत्र विचारों वाला होता है, न तो किसी की सुनता है, न किसी की मानता है, न किसी के अंडर में काम करने का कोई उसका प्रयास होता है, और कहीं भी करना भी पड़े तो लड़ाई झगड़ा करके वहाँ से वो निकल लेता है, बस में किसी की जल्दी आता नहीं है। ऐसे लोग जो होते हैं बहुत जल्दी दूर दूर तक भागते रहते हैं और बहुत जल्दी अस्थायी नहीं होते, इनका जीवन में भटकाव भी ज़्यादा होता है। तो मित्रों, इस ज्ञान के माध्यम से आप ज्ञान प्राप्त करें और मुझे अगले विषय में बढ़ने के लिए आज्ञा दें, क्योंकि मुझे आज्ञा देंगे तभी मैं आपके लिए कोई एक नया विषय लेकर के आऊँगा। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।